सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं भाई एक नए वीडियो में। और एक बार फिर TVS Raider 125 को लेके अपन एक वीडियो नई लेके आने वाले हैं। तो यार मैंने सोचा कुछ मतलब अलग अलग मैं इस बाइक में ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। तो आज मैंने सोचा एक नई चीज़ ट्राई करते हैं, इसका एक्सीलरेशन बिना यूज़ किए ये बाइक जो है फिफ्थ गियर तक कितनी टॉप स्पीड पकड़ लेती है। तो मतलब टॉप स्पीड के तो बहुत सारे वीडियो बना लिए, अब एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें अपन को एक्सीलरेटर यूज़ नहीं करना, गियर लगाऊंगा मैं सिर्फ, एक्सीलरेटर बिल्कुल छोड़ दूंगा, बस इनिशियल पिकअप दूंगा थोड़ा सा हल्का सा, उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरा इसमें जो है अपन गियर डालते रहेंगे पाँचों गियर तक, जहाँ तक गाड़ी मतलब ईजिली चल पाएगी अपनी वहाँ तक गियर डालते रहेंगे। तो अभी इधर आया हुआ था मैं, खाली रोड है यहाँ पे, कोई ट्रैफिक व्रैफिक भी नहीं है, तो थोड़ा रिस्की भी नहीं है पूरा ये रोड भी खाली। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस चैनल पे आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दो ऑल, ताकि जो बाइक से रिलेटेड इसी तरह का कंटेंट है वो आप लोगों से मिस ना हो। मैं इस बाइक को जीरो कर लेता हूं। गियर अपन ने देखो, फर्स्ट गियर तो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा एक्सीलरेशन देने के लिए, बट अभी जो है अपन अब इसका धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ूंगा बिना एक्सीलरेशन यूज किए और देखता हूं मैं कि कितने की स्पीड तक बाइक जो है पकड़ पाती है भाई। तो अभी तो मैंने आधा एक्सीलरेशन इसका छोड़ दिया है, अभी मैंने एक तरह से हाफ़ एस्केलेशन, फुल एस्केलेशन अभी तक अपन ने इसका छोड़ दिया है भाई। तो 6-7 की स्पीड जो है इस बाइक ने पकड़ ली है अभी तक। अब अपन एक बार टर्न लेंगे और इसका जो है सेकंड गियर डालेंगे, राइट। तो एक बार अपन इसका सेकंड गियर डाल लेते हैं भाई। तो 10 की स्पीड तक तो बाइक पहुंच गई है भाई। एस्केलेशन अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है इसका, एस्केलेटर देखो मैंने छोड़ ही रखा है पूरा, आप लोगों को दिख रहा होगा। और हाफ़ क्लच मैंने इसका मतलब मोस्टली हाफ क्या 80% क्लच भी छोड़ दिया है। तो 10-11 की स्पीड तक बाइक ईजिली चल रही है। देखो चढ़ाई जहाँ पे होगी वहाँ तो ये टेक्निक आपके काम नहीं आ सकती, और जहाँ पे आपको उतरना होगा जहाँ पे ढलान होगी वहाँ पे ये टेक्निक आपके काम आ सकती है, बट ये टेक्निक वैसे करने लायक कोई चीज़ है नहीं। बस जब मैंने सोचा था बनाते हैं यार कुछ ना कुछ, मैं इस बाइक को लेकर करता रहता हूँ, तो मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें अपन इसकी स्पीड देखेंगे कितने तक पकड़ता है। थर्ड गियर लगा देते हैं भाई, अब थोड़ी गाड़ी में दचके जरूर आए हैं पर आप थर्ड गियर लगाते ही देखो 15-16 की स्पीड तक पहुंच गई बाइक आराम से, 14-15 तक तो पहुंच ही गई थी थर्ड गियर लगाते ही। तो थोड़ा क्लच इसमें 80% या 90% क्लच तो इसमें छोड़ सकते हो आप, फुल क्लच छोड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है स्पीड में, बाकी चल रही है अभी तक बाइक, कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई बाइक चलने में। फोर्थ गियर लगा लिया जाए क्योंकि ये रोड ख़त्म होने वाला है, तो थोड़ा सा मिसिंग करेगी, जैसे गियर चेंज करते हो तब बिना एस्केलेशन या गियर चेंज करते हो तो मिसिंग तो करती है। 18-19 तक पहुंच गई है भाई फोर्थ गियर में, और अभी वो फटाफट फिफ्थ गियर भी लगा लेते हैं क्योंकि ये रोड भी अपना ख़त्म होने वाला है। तो अब फिफ्थ गियर में देखो बाइक मिसिंग कर रही है, मतलब बीच में इंजन छोड़ रहा है अपनी स्पीड, पर 20-21 की स्पीड तक पूरा यहाँ पे मैंने क्लच छोड़ दिया है और भाई एस्केलेशन का भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि बाइक कितनी की स्पीड पे चल रही है, 20-21 तक चल रही है, पर अगर यहाँ पे चढ़ाई आ जाएगी तो बाइक अपनी बंद हो जाएगी और ज़्यादा देर तक इस स्पीड में आप चला भी नहीं सकते, आपके माइलेज पर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो बस यार यही था, ज़्यादा कुछ है नहीं, रोड ख़त्म हो गई, अब ज़्यादा आगे मुझे जाना नहीं है। तो 20-21 की स्पीड पर पहुँच जाती है ये गियर शिफ्टिंग करने पे बिना एस्केलेटर का यूज़ करें। तो अपन ने एस्केलेटर बिल्कुल भी शुरू से एंड तक आपने देखा होगा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा, और 20-21 की स्पीड तक ये नॉर्मल चल रही है। तो बस एक बार अब संभाल लेते हैं भाई गाड़ी को, ज़्यादा देर नहीं चलानी है ऐसे, गाड़ी के इंजन पे इफेक्ट पड़ता है देखो इस चीज़ का। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ पहले ही, इस तरह आप बाइक चलाते हो अगर गियर आपने डाल दिया पाँचवा और स्पीड है आपकी कम तो आपके इंजन पे फॉर श्योर इफेक्ट पड़ता है। पर हाँ मैंने तो सिर्फ एक ये टेस्ट करना था, इसलिए मैंने जो है ये वीडियो बनाया था। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर इस चैनल पे आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और बाइक से रिलेटेड इसी तरह का कंटेंट देखना आप लोगों को पसंद है तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन कर देना ऑल। तो मिलते हैं ऐसे किसी बाइक के नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।